आप बार बार भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को आह्वान कर रही हैं और चेतावनी दे रही हैं। आज आपको 3 दिन हो गए जो सरकार से वार्ता हुई है, आप उससे कितनी संतुष्ट हैं? हम अभी तक बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं, लेकिन हमारे प्रांतीय अध्यक्ष साई जी जैसे अभी कहे हैं, ये वार्ता करके आए हैं, यदि हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी को विश्वास है तो हमें भी विश्वास है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूँ विनम्र निवेदन से कि हम 1,70,000 बेघर हो गए, हमारे पास कुछ नहीं है, हम अपने बच्चे को आज नहीं पाल पा रहे हैं तो ग्रामीण के बच्चों को हम कहाँ से पढ़ाएंगे? 10,000 रुपए में बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। जैसे साई जी कह रहे हैं समान कार समान वेतन, 1,4 संशोधन आज शाम तक वो लिख कर देने के लिए तैयार है, यदि नहीं देते हैं तो कल दिल्ली की सड़कों पर 1,70,000 हम शिक्षा मित्र उतरेंगे और हम PMO कार्यालय, संसद भवन, पूरा दिल्ली हम जाम करेंगे, हमको कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे पुलिस लाठी चलाए, चाहे गोली चलाए, चाहे बम बारूद चलाए, लेकिन हम दिल्ली पर लेट कर खाएंगे, बिना अपनी मांग पूरी करवाए हम दिल्ली से हटेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। मैं प्रधानमंत्री जी को बता देना चाहती हूँ।